Meanwhile, as politics raged on in Delhi, the last rites of farmer Gajendra Singh were held in his native village Dausa. Senior Rajasthan leaders Ashok Gehlot and Sachin Pilot were present at the cremation. अभी तक स्टेट गवर्नमेंट के समझ में भी आ नहीं रही है ये तबाही कोई मामूली तबाही नहीं है। घर घर में तबाही मच गई है और खेत के खेत बर्बाद हो गए हैं। इस बात का एहसास सरकार को हो नहीं रहा है। गजेंद्र सिंह ने तो कह दिया जय जवान जय किसान की बात कह दी और जाके वहाँ शहीद हो गया, पर सरकार को सोचना पड़ेगा कि वास्तव में ये एक घटना नहीं है। आज करीब 50 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं राजस्थान के अंदर। कोई ओलावृष्टि से मरा, कोई मकान गिर गए हैं, कहीं पर आत्महत्याएं हो गई है, पर सरकार उसको गंभीरता से ले नहीं रही है। इस बात का हम सबको दुख है। और आज देखिए आप कितना हजूम का हजूम उड़ा उभर पड़ा है यहाँ पर, क्या लोग सोच रहे होंगे। हम सबको दुख इस बात का है कि व्यक्ति को विवश किया गया है, मतलब कोई कारण होंगे जिस वजह से इस प्रकार के किसान अपनी जान ले रहे हैं। और एक व्यक्ति आज दुनिया में नहीं रहा, 3 बच्चों का बाप था। मुझे दुख इस बात का है कि उस परिवार में, उस घर में जो आज एक निराशा का माहौल है, उसको अपनी सांत्वना देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। और मैं इस मौके पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात लोगों को समझनी होगी कि कोई ना कोई ऐसे वातावरण बने हैं जहाँ किसान आज अपनी जान लेने के लिए मजबूर हो रहा है।